आज मैं आपको बताऊंगा आप किस तरह मोटो 810G मोबाइल में डेट फॉर्मेट किस तरह चेंज कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं मोबाइल में डेट फॉर्मेट जो है, पहले यहाँ पर दिखा रहा है कौन सा साल है, उसके बाद कौन सा मंथ है, उसके बाद दिन दिखा रहा है। तो जैसे यहाँ पर अभी तारीख दिखा रहा है 2024 दूसरा महीना और 17 तारीख। तो मुझे इस डेट फॉर्मेट को चेंज करना है। मैं चाहता हूँ कि पहले डे दिखाई दे, उसके बाद मंथ और फिर लास्ट में ईयर। तो किस तरह डेट फॉर्मेट चेंज करते हैं मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मेनू में जाना है, फिर आपको इस बटन से नीचे आना है और सेटिंग्स में आपको ओपन करना है। फिर आपको इस बटन से नीचे आना है और फोन सेटिंग्स में ओके करना है। फिर आपको टाइम एंड डेट पर आकर ओके करना है और यहाँ पर नीचे आकर सेट फॉर्मेट, इसे ओके करना है। यहाँ पर आपको नीचे आना है, यहाँ पर डेट का फॉर्मेट है, अभी दिखा रहा है 4xy/MM/DD। इसका मतलब है पहले ईयर शो होगा, फिर मंथ, लास्ट में डे। तो मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे चेंज करना है, तो ये बटन दबाता हूँ। उसके बाद दिखा रहा है MM/DD/4x4। तो इसका मतलब है पहले मंथ शो होगा, फिर डे, फिर ईयर, मुझे ये भी नहीं रखना है। तो मैं फिर से ये बटन दबाता हूँ, अब दिखा रहा है MM/DD/4x4। तो इसका मतलब ये है पहले डे दिखाएगा, उसके बाद मंथ और फिर लास्ट में ईयर, तो मुझे यही रखना है। तो मैं सेव कर देता हूँ और अब मैं बैक आ जाता हूँ। अब आप देख सकते हैं कुछ इस तरह दिखा रहा है डेट फॉर्मेट, पहले 17 तारीख, उसके बाद मंथ और लास्ट में ईयर।